हेलो स्टूडेंट्स, सम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बज चुके हैं दोपहर के एक, स्वागत है आप सभी का ठीक दोपहर के एक बजे आपके अपने एग्जामपुर परिवार में। तो एक बार जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट्स सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट क्लास में लाइव आ सकें। और फिर शुरू करते हैं अपनी आज की बेहतरीन क्लास को, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं अपने टॉप 30 क्वेश्चंस को। तो जल्दी से फटाफट से सभी स्टूडेंट सेशन में आ जाइए, शुरू करेंगे अपने टॉप 30 क्वेश्चंस को। ठीक है जी, शुरू करें। चलो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एग्जामपुर लेकर आया है 18 फरवरी तक 70% का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर। मतलब अब आप एग्जामपुर के किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं और किसी भी कोर्स पर आपको, मतलब किसी भी क्या, सभी कोर्स पर आपको 70% डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ ही में अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं तो भी आपको 70% डिस्काउंट दिया जाएगा। ऑफर केवल 28 फरवरी तक के लिए ही वैलिड है। शुरू हो गया है आपका सिलेक्शन मेला, जिसमें 22 से 28 फरवरी तक, मतलब कल होगी इसकी लास्ट डेट। अगर आप लेते हैं एसएससी का कोई बैच, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, डिफेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, आईएएस, पीसीएस और टीचिंग, तो इन सभी के सभी कोर्सेज और बुक पर 70% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। ध्यान रहे, आपको लगाना है कोड एग्जाम 7070। ओके, शुरू करते फिर आज के सेशन को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ही रहा, पढ़िए जरा इसको फटाफट से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसलिए कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करो ताकि चीजों को नोट डाउन कर लिया करिए। ठीक है, निम्नलिखित में से दो अलग अलग लैन को आपस में किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा? एचडीएलसी टनल, हब या ब्रिज? क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर बताओ। दो लोकल एरिया नेटवर्क है, दो लैन बिछी हुई है। लैन का मतलब क्या होता है? लैन की फुल फॉर्म हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन की फुल फॉर्म हो जाती है लोकल एरिया नेटवर्क। और लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं 2.5 किलोमीटर तक की जगह को कवर करके रखते हैं। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क 2.5 किलोमीटर तक की जगह को कवर करके रखते हैं। ये ऐसे नेटवर्क होते हैं जो भौगोलिक रूप से छोटे होते हैं। तो दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को, दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी, ब्रिज विल बी द राइट आंसर। ध्यान रखना इसे, ठीक है। ब्रिज एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल दो अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करता है? Which of the following network protocols provide link state routing? Link से या link बनाकर आपस में चीजों को जोड़ने की routing, इनमें से किसके द्वारा provide करवाई जाती है? बताइए जरा जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जरा फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा। बैंडविड्थ वेस्ट ना हो इसके लिए नेटवेयर, बैंडविड्थ वेस्ट ना हो, मतलब बैंडविड्थ का मतलब है एक सेकंड में जितना डेटा इधर से उधर जा रहा है, बैंडविड्थ वेस्ट ना हो, डेटा इधर से उधर वेस्ट ना हो, इसके लिए नेटवेयर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सी प्रोटोकॉल हो जाएगी? एनएलएसपी। एनएलएसपी की फुल फॉर्म ही होती है नेटवेयर, नेटवेयर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म ही है नेटवेयर लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। इसका इस्तेमाल किया जाता है लिंक स्टेट के लिए। बैंडविड्थ, जब आप नेटवर्क बना रहे हो, नेटवर्क बनाते समय डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसी को बैंडविड्थ कहा जाता है। बैंडविड्थ को मेजर किया जाता है बीपीएस में, बिट पर सेकंड में। आप देखते हो ना इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है, केबीपीएस हो रही है, एमबीपीएस हो रही है, जीबीपीएस हो रही है। तो बैंडविड्थ वेस्ट ना हो इस वजह से एनएलएसपी का यूज किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
पॉपुलरली नोन एज हार्डवेयर और फिजिकल एड्रेसिंग नेटवर्किंग। ये क्वेश्चन किया हुआ था मिलता जुलता इसी के जैसा। निम्नलिखित में से नेटवर्किंग में किस हार्डवेयर या भौतिक पते को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। भौतिक पते के रूप से अगर आप अपने सिस्टम में किसी हार्डवेयर को कनेक्ट करते हो, है ना, इफ यू कनेक्ट एनी टाइप ऑफ हार्डवेयर विद योर सिस्टम देन यू हैव अ टाइप ऑफ एड्रेस। व्हाट इज द टाइप ऑफ एड्रेस? फिजिकल एड्रेस। मान लो ना, दो तरीके के एड्रेस होते हैं अपने पास सिस्टम के अंदर, दो यूनिक नंबर होता है। एक होता है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है लॉजिकल एड्रेस और एक होता है फिजिकल एड्रेस। दो प्रकार के एड्रेस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लॉजिकल एड्रेस आईपी एड्रेस को कहते हैं और जब आप किसी हार्डवेयर को जोड़ते हो, फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस को कहते हैं। फिजिकल एड्रेस हो जाएगा मैक, मैक की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मैक की फुल फॉर्म हो जाएगी मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक जो है वो 48 बिट की जगह लेता है सिस्टम के अंदर स्टोर होने के। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन यूजिंग अ प्रोसेसर? निम्नलिखित में से प्रोसेसर यूज करते समय डेटा और प्रोग्राम कहां स्टोर होते हैं? डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो ठीक है बच्चा, सोचा जाएगा इसके बारे में। कॉपी पेस्ट बिल्कुल भी ना करें, ठीक है, थोड़ा संयम बरत के रखो भाई, कॉपी पेस्ट नहीं करो शैतान। आ जाओ जरा इधर देखते हैं। तो जब आप क्या करते हो, क्या बोल रहा है ये, वेयर आर डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर व्हेन यूजिंग अ प्रोसेसर। जब प्रोसेसर काम कर रहा है, वर्तमान में जो भी काम किया जा रहा है, वर्तमान में जो भी काम होता है, जब प्रोसेसर काम कर रहा है उस टाइम पर आपका डेटा कहाँ स्टोर करके रखा जाता है? तो जितने टाइम डेटा काम करता है उस समय आपके डेटा को रैम में स्टोर करते हैं। वर्तमान में यूज होने वाली मेमोरी रैम होती है। रैम को मेन मेमोरी कहा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से यूएसएसडी किस आवृत्ति का पर काम करता है? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए जरा जल्दी से। यूएसएसडी किस पर काम करता है, बताओ फटाफट से। बताइए जल्दी से किस पर काम करता है। बताओ बताओ बताओ। यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा फुल फॉर्म हो जाती है अगर हम बात करते हैं यूएसडीडी, और इसका इस्तेमाल किया जाता है जीएसएम मोबाइल में या जीएसएम नेटवर्क में। जीएसएम की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ठीक है, ध्यान रखना ये सारी चीजें। जीएसएम सिम के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। जीएसएम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, ग्लोबल सिस्टम, लिख लो इसको भी लिखना है तो, ग्लोबल सिस्टम मोबाइल और कम्युनिकेशन, मोबाइल और कम्युनिकेशन, ठीक है, जीएसएम नेटवर्क पर काम करते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी किस पर काम करती है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी, ब्लूटूथ जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। सेल्यूलर नेटवर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सेल्यूलर नेटवर्क पर काम करते हैं। आंसर ऑप्शन बी था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से इंटरनेट से क्या आशय है? क्या ये लार्ज CSMACD नेटवर्क है, लार्ज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क है, इंट्रा नेटवर्क है या नेटवर्क का नेटवर्क है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। इंटरनेट को इनमें से किसके द्वारा जाना जाता है, बताओ जरा इसका आंसर क्या हो सकता है।
करिए क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ जरा जल्दी जल्दी से। अरे जैसे बैंकों का बैंक क्या होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कहां पर है इसका मुख्यालय, मुंबई में। इसी तरीके से नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट का आविष्कार 1969 में हुआ था, तब इसका नाम नेटवर्क ना होकर आर्पानेट रखा गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। आगे चलकर 1970 में आर्पानेट में दो प्रोटोकॉल जोड़ी गई, टीसीपी और आईपी, और इसको बना दिया गया इंटरनेट, नेटवर्क का नेटवर्क इंटरनेट। ठीक है, इंटरनेट का कोई स्वामी नहीं है, इंटरनेट का कोई स्वामी, कौनो स्वामी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेवन, निम्नलिखित में से किस एरर की जांच कंपाइलर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करो जरा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी चेक्ड बाय द कंपाइलर, क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा, करो। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हमने किसी और भाषा में किया था पहले, एक बार कर चुके हम ऐसा सा क्वेश्चन, है ना। कंपाइलर कौन सी एरर को चेक करता है, तो कंपाइलर सिंटेक्स एरर को चेक करता है। सिंटेक्स का मतलब होता है प्रोग्राम के लिखने का तरीका, प्रोग्राम का लिखने का तरीका, प्रोग्राम का लिखने का तरीका सही है या नहीं, प्रोग्राम का लिखने का तरीका इस तरीके से चेक किया जाता है। आपने ब्रैकेट जो ओपन किया था वो बंद कर दिया, सेमी कॉलन जहां लगाना था लगा दिया, ये सारी चीजें सिंटेक्स एरर के अंदर आती हैं। प्रोग्राम का लिखने का तरीका सही है या गलत, उन सब चीजों को चेक करता है कंपाइलर। कंपाइलर सारे डेटा को एक साथ प्रोग्रामिंग भाषा में चेंज कर देता है, इंटरप्रेटर एक एक लाइन को पढ़ता है उसको चेंज करता है। निम्नलिखित में से ए बी सी कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, कौन है वो, कौन है, कहां से आया ए बी सी कंप्यूटर, इनमें से किसके द्वारा बनाया गया था बताओ जरा एक बार जल्दी जल्दी से। ए बी सी कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसके द्वारा किया गया था बता दो, एट क्वेश्चन का आंसर। सी हाथ हो रहा है, बिल गेट्स, अच्छा आंसर बता रहे हो, वो भी आउट, पता नहीं कहां ही जा रहा है आपका आंसर। सी किस खुशी में आ रहा है किसी का, बिल गेट्स ने एबीसी कंप्यूटर बनाया था। एबीसी कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म ही होती है एटना सॉफ बेरी कंप्यूटर, एबीसी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है एटना सॉफ बेरी कंप्यूटर, और इसे बनाया गया इन्हीं दो व्यक्तियों के द्वारा, पहले थे एटना सॉफ दूसरे थे बेरी, एटना सॉफ और बेरी दोनों व्यक्तियों ने मिलकर एबीसी कंप्यूटर का आविष्कार किया था। आगे आ जाओ, निम्नलिखित में से यूएसएसडी में किसका उपयोग किया जाता है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें से किसका इस्तेमाल यूएसएसडी के अंदर करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर क्या हो सकता है। बताइए जल्दी से फटाफट से क्या होगा इसका आंसर। USSD का इस्तेमाल करते समय जब भी आप अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा का इस्तेमाल करते हो पेमेंट के लिए, किसी भी काम के लिए, जीएसएम सिम के लिए, मोबाइल नेटवर्किंग के लिए, तो हमें एम पिन का यूज करना पड़ता है। एम पिन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये भी पूछ सकता है भाई। एम पिन की फुल फॉर्म मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आप इसको कह सकते हो। एम पिन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, या एम पिन को किसके नाम से जाना जाता है, लिखना मोबाइल पर्सनल, मोबाइल फोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है जी, एम पिन डालते हैं ना। योनो यूज किया है किसी ने, योनो, योनो सर्विस कौन से बैंक के द्वारा दी गई है ये तो बता दो, ये तो पूछ ही सकता है। योनो के बारे में सुना है आपने, योनो, योनो सेवा या योनो सर्विस किस बैंक के द्वारा दी गई है, योनो सर्विस किस बैंक के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ले लेना।
योनो सर्विस आईसीआईसीआई बैंक ने दी है, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई है, एसबीआई के द्वारा दी गई है या एचडीएफसी बैंक के द्वारा दी गई है। योनो सर्विस इनमें से किस बैंकों के द्वारा दी गई है? योनो सर्विस होती क्या है? बिल्कुल वेरी गुड आंसर है, क्या बात है, करना यूज भी कर रखा है। योनो सर्विस एसबीआई बैंक के द्वारा दी गई है। योनो एक एप्लीकेशन है पर्टिकुलर, इसको बनाया गया कि अगर आपके पास कार्ड नहीं है, सपोज करो आप घर से निकले, ठीक है, अब आपके पास मोबाइल फोन तो रहेगा, कार्ड रहे या ना रहे, है ना, आप घर से निकले, आपके पास कार्ड नहीं है, आपको पैसे निकालने हैं, तो आप नगद राशि लिमिट कितनी है, कितने तक पैसे निकाल सकते हैं कैश, आप योनो एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपको एक कोड दिया जाता है, उस कोड का इस्तेमाल आप एसबीआई के किसी भी एटीएम में जाके कर सकते हो, एसबीआई के एटीएम में जाना पड़ेगा। कितने रुपए तक का कैश निकाला जा सकता है, नगद कितने रुपए तक का नगद इस एप्लीकेशन के द्वारा निकाला जा सकता है? 5,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, कितना कैश निकाल सकते हैं योनो सर्विस से बिना कार्ड के? आप केवल और केवल क्या कर सकते हो, आपके पास कोड आएगा, कोड डालोगे, ओटीपी डालोगे, आपका पैसा निकल जाएगा, मैक्सिमम 20,000 कैश निकाला जा सकता है, 20,000 कैश निकाला जा सकता है एसबीआई की सर्विस से, ठीक है। आगे आ जाओ, ओएलएक्स पे बेच दी, सुना होगा आपने ऐसे बहुत से ऐड के बारे में। निम्नलिखित में से ओएलएक्स इनमें से किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ओएलएक्स इज बेस्ड ऑन किस पर? ओएलएक्स क्या है? क्या ये बिजनेस टू बिजनेस काम करता है, एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी में? क्या ये बिजनेस टू कस्टमर काम करता है, व्यापारी से उपभोक्ता को मिलता होगा? कस्टमर टू कस्टमर काम करता है, उपभोक्ता से उपभोक्ता के द्वारा काम किया जाता है? कस्टमर टू बिजनेस काम करता है, उपभोक्ता से बिजनेसमैन के द्वारा चीजों का लेन देन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10, आप बताओ, ध्यान से सोचो, ओ एल एक्स कौन सी वेबसाइट होगी और कैसी वेबसाइट होगी? ओ एल एक्स, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ओएलएक्स क्या है? ओएलएक्स पे लोग पता नहीं क्या क्या बेच रहे हैं, बहुत चीजें बेची जा रही है, किसी ने अपना बेड बेच दिया, किसी ने अपना सोफा बेच दिया, ठीक है, किसी ने कुछ भी बेच दिया, बेचे जा रहे हैं। इसका मतलब जो बेच रहे हैं वो भी इंसान है, उन्होंने कोई चीज खरीदी होगी, सेकेंड हैंड ज्यादातर चीजें मिलेंगी आपको ओएलएक्स पे, जो खरीद रहा है वो भी कंज्यूमर है, वो उसको लेना चाह रहा है। भाई जिस व्यक्ति ने ओएलएक्स पे डाला कि ये बेड है, वैसे 30,000 का मैंने खरीदा था, पर आज मैं इस बेड को 5,000 में बेच रहा हूं, इसका मतलब उस व्यक्ति ने भी कभी ना कभी तो खरीदा था बेड को, वो भी तो कस्टमर है, और जो उस बेड को खरीदने के लिए आया उसको वो चाहिए, वो तो खुद एक कस्टमर है। कस्टमर से कस्टमर तक सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती है ओ एल एक्स के द्वारा। ऑप्शन 10 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम पहले मैंने देखा लोग गाय बकरी भैंस सब बेच रहे हैं उस पे, वो दिन दूर नहीं जब लोग इंसानों को भी बेच देंगे। आ जाओ जरा, एक मूवी नहीं थी, कौन सी मूवी थी जिसमें इंसानों को भी बेचा गया था? आ जाओ। अच्छा, अगर मैं OLX की जगह लिख दूं Flipkart या Amazon लिख दूं, सपोज अगर मैं OLX की जगह Amazon लिख दूं, तो बताना क्या अंतर आएगा? मैंने Amazon लिख दिया, बताओ जरा, Amazon, Amazon के जंगल नहीं है, ठीक है, Amazon इनमें से कौन से या किस मॉडल पर आधारित है? Amazon इनमें से किस मॉडल पर आधारित है? अब बात हो गई है Amazon की, बेचने वाला कौन है? बेचने वाला बिजनेसमैन है, जो बेच रहा है वो बिजनेसमैन है, स्टोर का नंबर दिया जाता है, स्टोर का नाम दिया जाता है, कंपनी का नाम दिया जाता है, बेचने वाला बिजनेसमैन है, खरीदने वाला उपभोक्ता है। तो Amazon, Flipkart, Myntra, Ajio, बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ये B2C के लाएंगी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। ये चीजें ना जब आप करते हो तो ये नेचुरली आती हैं, क्वेश्चंस कुछ ऐसे बनाए जाते हैं जो सामान्य तौर पे इजी होते हैं, पर आप रटने पर चले जाओगे तो कर नहीं पाओगे, सोचोगे केवल नॉर्मल हम जैसे काम कर रहे हैं, कैसे काम किया जा रहा है, बिजनेस से कंज्यूमर डायरेक्ट कर दोगे, रटोगे तो दिक्कत हो जाती है। Which of the following is the most powerful computer? सबसे ज्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर, शक्तिमान वाला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है।
बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि सभी को याद होगा, फिर भी याद नहीं है तो मैं रिपीट कर देती हूँ। विश्व का, वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर 1976 में बनाया गया, नाम था क्रेवन, हालांकि उसे CDC 6600 के नाम से भी जाना जाता था, और अमेरिका के द्वारा इसको बनाया गया था। बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? सैमुअल क्रे, अपने नाम पर इन्होंने रख दिया था, सैमुअल क्रे नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत इंडिया, प्यारा भारत, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर 1991 में पुणे में बनाया गया, सीडेक कंपनी के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग के द्वारा, नाम था परम 8000। 810,000 देकर कंफ्यूज करेगा, याद रखना 8000, परम 8000 बनाया गया। श्रेय किसको जाता है? विजय पांडुरंग भाटकर जी। ठीक है जी, आगे चले। अच्छा, इसमें एक चीज और देख लो, मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्विस, सर्वर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, सेवा देने वाला। माइक्रो कंप्यूटर, जो लैपटॉप, छोटे कंप्यूटर है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिनी कंप्यूटर, बहुत सारे डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पीपल हु डू हैकिंग लीगली आर कॉल्ड, निम्नलिखित में से कानूनी तौर पर हैकिंग करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? अगर मैं बात करती हूं, हमारी जो खुफिया एजेंसी है, भारत की खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? हमारी जो खुफिया एजेंसी है, वो सपोज किसी व्यक्ति पर उसे शक है तो वो हैकिंग करवाएगी, वो लोगों को रखती है, हैक करो जिसका अकाउंट, हमें लग रहा है कि हमें इस पर शक है, हमें लग रहा है कि पाकिस्तान वालों से मिला हुआ है, हैक करो इसको पूरा का पूरा, अकाउंट सीज करो, देखो क्या बात कर रहा है, कहीं हनी ट्रैप में तो नहीं फंस गया। हनी ट्रैपिंग सभी जानते हो, हनी ट्रैपिंग होती है जब आतंकवादी देश के, आतंकवादी देश की महिलाएं भारतीय को फंसाती हैं, बातचीत करती हैं और उनसे अंदर की जानकारी निकालती है ना। तो बहुत बार होता है कि भारत सरकार भी हैकिंग करवाती है, उसके लिए वो हैकर रखती है, उनको कहा जाता है एथिकल हैकर। वो हैकर जो कानूनी तौर पर हैकिंग कर रहे हैं, सरकार के कहने पर हैकिंग कर रहे हैं, उन्हें एथिकल हैकर कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें ब्लू हैट हैकर कहते हैं, शाही हैकर, जिनको सरकार बुला के पैसा भी देती है और हैकिंग भी करवाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च द फर्स्ट रुपे एटीएम, रुपे एटीएम, माइक्रो एटीएम कार्ड आधार नंबर के साथ, इनमें से किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया था? अच्छा, आपने सुना होगा, एक तो वीजा एटीएम होता है और एक होता है रुपे, पता है दोनों में क्या अंतर होता है? पहला एटीएम कार्ड इनमें से किस बैंक ने दिखाया या कौन सी बैंक ने लॉन्च किया, बताओ? रुपे एटीएम, माइक्रो एटीएम, इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? करिए जरा फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। रुपे एटीएम कार्ड, माइक्रो एटीएम कार्ड, बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। रुपे कार्ड जो है ये इंडियन का कार्ड है, वीजा जो कार्ड है ये अमेरिकन का है। हम लोगों ने जब से रुपे कार्ड इस्तेमाल करना शुरू किया है, बहुत घाटा हुआ वीजा वालों को, अमेरिका वालों को। ऐसा क्यों? जब वीजा कार्ड का इस्तेमाल करते थे, कोई चीज 125 रुपए की है तो आपको कार्ड से भुगतान करना पड़ता था 127.5, मतलब 2.5 रुपए आपका चार्ज लगता था उस कार्ड को यूज करने का। एक बंदे ने स्वाइप किया, 2.5 रुपए दिए, सोचो कितने लाखों करोड़ों लोग हैं जो स्वाइप करते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए खा रहे थे एक दिन में। तो जब ये पैसे जाने लग गए विदेश, तो जाहिर सी बात है फिर रुपए कार्ड को लॉन्च किया गया। अब जब आप भारतीय रुपए कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो 125 रुपए देना पड़ता है, 125 रुपए के समान। यहां पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कार्ड का नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से ब्राउजर में कई टैब ओपन हैं, कंट्रोल प्लस डब्लू शॉर्टकट की का इस्तेमाल करने पर क्या होगा? सारे टैब बंद हो जाएंगे, सारे ब्राउजर बंद हो जाएंगे, जो वर्तमान में टैब चल रहा है वो बंद हो जाएगा, या इनमें से कोई भी काम नहीं होगा? करिए जरा इसका आंसर फटाफट से, यहां पे क्या होगा बताओ?
कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए? क्या होगा इसका आंसर? आना स्टार्ट भी हो चुका है, क्या बात है, वेरी वेरी गुड। कंट्रोल प्लस डब्लू की बात कर रहा है, कंट्रोल गए कंट्रोल, कंट्रोल प्लस डब्लू, डब्लू कंट्रोल प्लस डब्लू वर्तमान की विंडो, जिस विंडो पे आप काम कर रहे हो, करंट की विंडो, केवल वर्तमान वाली विंडो बंद होती है कंट्रोल प्लस डब्लू से। वर्तमान की विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्लू का इस्तेमाल किया जाता है, क्लोज करंट टैब, ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे आ जाओ, विच ऑफ दी फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज वाइडली यूज्ड इन पीसी एंड एम्बेडेड सिस्टम? निम्नलिखित में से पीसी और एम्बेडेड सिस्टम में किस मेमोरी स्टोरेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? एम्बेडेड सिस्टम पता है आपको, एम्बेडेड सिस्टम जिनमें पहले से मेमोरी, जिनमें पहले से डेटा स्टोर होता है मेमोरी के अंदर। आपकी स्मार्ट घड़ी बता देती है आज, हाय दिया एक मिनट में मेरा दिल 68 बार धड़का, नहीं अरे बताती ना, हार्ट बीट नहीं बताती है स्मार्ट वॉच, आज मैंने इतने कदम चल लिए, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है या लो हो रहा है, तो ये सारी चीजें बताई जाती है क्योंकि इनके प्रोग्राम पहले से स्टोर होते हैं। इन्हीं को एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी स्टोर है वो डायनामिक है, बदलती रहती है। अगर आज आपका दिल धड़का एक मिनट में 68 टाइम्स, तो कल हो सकता है 70 बार धड़क जाए, फिर 72 बार भी धड़क सकता है। तो डेटा चेंज, वेरिएशन चेंज होती रहती है, डी रैम का इस्तेमाल किया जाता है। डी रैम की फुल फॉर्म होती है डायनामिक, अरे बताता नहीं हार्ट बीट, हंस क्यों रहे हो आप, हाँ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16। निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसमें भी करते हो गड़बड़ तो फिर क्या, याद करो उसे, गड़बड़ क्यों कर रहे हो अभी भी? क्वेश्चन नंबर 16 और आपका समय शुरू होता है अब, करो जरा एक बार फटाफट से बताओ इसका उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताओ जरा एक बार जल्दी जल्दी से, बाइनरी भाषा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बाइनरी नंबर तो है, बहुत सही आंसर है, किसके द्वारा किया गया? कंप्यूटर या कोई भी मशीन, विश्व में चलने वाली कोई भी मशीन या कंप्यूटर, केवल और केवल अगर मैं बोलूं तो बाइनरी नंबर को ही जानता है, बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है। बाइनरी भाषा होती है 0101, ठीक है जी, बाइनरी भाषा को जानता है। बाइनरी भाषा का आविष्कार गॉटराइड लेबनीज नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखना। बाइनरी नंबर पे प्रोग्राम बनाने वाली पहली महिला थी जिनका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता, जिनका नाम था लेडी एडा लवलेस अगस्ता, ये भी याद रखना। और देखो आगे की चीजें, इनको नोट क्या करो जो एक्स्ट्रा आपको सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या आपको ध्यान देना है, आ जाओ हम बताते हैं क्या ध्यान देना है। बाकी की तीन भाषाएं बच गई, इन तीन भाषाओं को भी अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। बाइनरी के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, बेसिक भाषा की हम बात करते हैं, बेसिक भाषा की फुल फॉर्म क्या होती है, उत्तर तो इसका बाइनरी है, ठीक है। बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगिनर्स ऑल सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन को। इस भाषा को नींव की भाषा कहा जाता है, कोडिंग सीखने से पहले इसी भाषा को सिखाया जाता है, ठीक है। बेसिक भाषा का आविष्कार किया गया था किसके द्वारा, कौन था भी जिसने किया था, देखना जरा बेसिक, मैं बताती रुक जाऊं, बेसिक भी नहीं आता उसे, कूट दो पकड़ के, कैमिनी और कूट्स, इतना बड़ा कैमिनी है जिसको बेसिक भाषा भी नहीं आती, कूट दो पकड़ के। तो कैमिनी और कोट्स नाम के दो व्यक्तियों के द्वारा बेसिक भाषा का आविष्कार किया गया था। चीजें ऐसे याद होती हैं, अभी हंसी आती है, एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा क्या है। इसके बाद आती है सी लैंग्वेज, तो सी भाषा का आविष्कार किया गया था
डेनिस रिची नाम के व्यक्ति के द्वारा, डेनिस रिची और कैन थॉमसन, कैन थॉमसन ही केवल डेनिस रिची लिखना। फिर आती है असेंबली लैंग्वेज, असेंबली भाषा को निमोनिक भाषा कहा जाता है, बड़े शब्दों के लिए छोटे शब्दों का इस्तेमाल करना, एडिशन के लिए एड, मल्टीप्लीकेशन के लिए मल्ट, डिविजन के लिए डिव। चलिए आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द किसने लिखा था? Who among the following coined the term Internet of Things? IoT, ये अलग से चैप्टर है अगर आप BCMCA करते हो तो। IoT, Internet of Things, इनमें से किसके द्वारा लिखा गया था? एडवर्ड जेम्सन, जॉर्ज गार्टन, केविन एस्टोने या जॉन राइट। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। अरे लिखो, कोई नहीं, थोड़ा स्लो कर लेंगे भाई, थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिखना है तो लिख लो, आपको मैं उसे स्पीड से पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो थिंग्स जो इंटरनेट में पाई जाती है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हो, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, कोई भी चीज जो इंटरनेट पर पाई जाती है, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इनके बारे में थ्योरी केविन एस्टोनो के द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ध्यान रखना। आगे आ जाते हैं, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप से काफी क्वेश्चंस बने थे, पूछे गए थे। ट्रिपल सी में तो ज्यादातर उमंग ऐप को खींचता है, नॉर्मली भी पूछ सकता है भाई, उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, करिए जरा इसका आंसर। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया था, बताओ जरा एक बार फटाफट से। बताओ, उमंग की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू जनरेशन गवर्नेंस। आजकल के जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, वो लाइनों में खड़े होना नहीं पसंद करते, जाहिर सी बात है भाई। जो हमारे पापा मम्मी जाते थे बैंकों में लाइनें लगाते थे, आज जाकर देखो आप, इतनी जल्दी तो लोगों को गुस्सा आ जाता है। अब ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, दफ्तर के बाहर ज्यादा लाइनें ना लगे, इसलिए सरकार ने उमंग ऐप को लॉन्च किया। इस उमंग ऐप के जरिए सरकारी, ज्यादा से ज्यादा सरकारी कामकाज को आप घर बैठे इस एप्लीकेशन से कर सकते, घर बैठे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे आधार कार्ड में अपडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, घर बैठे बिजली का बिल हो गया, बहुत से काम है जो अब आपको सरकारी दफ्तर में जाकर नहीं करने, घर बैठे इस ऐप से कर सकते हो। इसको लॉन्च किया गया 26 नवंबर 2017 डीमोनेटाइजेशन के एक साल बाद, ठीक है। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन कब हुआ था? आप भी खड़े थे क्या एटीएम की, एटीएम तो क्या है? क्या आपने भी गुलाबी रंग के नोट के साथ सेल्फी डाली थी? यही चल रहा था उस टाइम पे तो। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी यूनिक्स की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा काम यूनिक्स नहीं करता? मल्टीटास्किंग, पोर्टेबिलिटी, मल्टी यूजर, इजी टू यूज, इनमें से कौन सा काम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है, करिए जरा फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। इनमें से कौन सा काम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होगा। यूनिक्स कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर मल्टी टास्क, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? मल्टी यूजर मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी टास्किंग भी होगी, मल्टी यूजर भी होगा, पोर्टेबल भी है, किसी भी सिस्टम में लगा दो, लेकिन यूनिक्स इजी टू यूज नहीं है, क्योंकि यूनिक्स के लिए CUI बेस्ड है, कमांड आनी चाहिए, अगर कमांड आती है तो ही चला पाओगे, अदरवाइज चित्रों को देखकर काम नहीं होगा। यहाँ पे काम करने के लिए कमांड आनी चाहिए, इजी टू यूज कतई नहीं है, कमांड सीखो तभी चला पाओगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा पर आधारित है, लिख लेना इसके बारे में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पहुंच गए, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी भाषा पर आधारित, सी भाषा पर बनाया गया या सी भाषा पर
आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आविष्कार किया था डेनिस रिची और केन थॉमस नाम के व्यक्ति के द्वारा। डेनिस रिची और केन थॉमसन नाम के व्यक्ति के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आगे आ जाओ। www चार चार डब्ल्यू दे दिए इसमें, तीन डब्ल्यू तो पता भी था, तीन डब्ल्यू सी भी पता था। एक होता है ना, एक होता है W3C, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब, सी से हो जाता है कॉन्सोर्टियम, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। यहां भी पूछ रहा है चार बार W देकर कि बताइए इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। बच्चा भी थोड़ा कॉपी पेस्ट थोड़ा बंद करके आप ध्यान सामने दोगे, बहुत सी चीजें जो आज आप नहीं सीख कर जाओगे न्यू सीखने को मिलेगी अगर आप ध्यान दोगे तो। www चार बार W है वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। W3C बोलेगा तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम हो जाएगा, तीन बार W बोलेगा तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषता है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? आपको फ्री में डेटा स्पेस दिया जाता है। अगर आप आईफोन लेते हो, अगर आप गूगल लेते हो, तो आपकी फोटोज गूगल फोटोज में आ जाती है, आती है ना? आपको GB तक का डेटा दिया जाता है कि भाई फ्री में यूज करो। ये गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग है, मतलब एक तरीके से एक ऐसा बादल है जो आपको जगह दी जा रही है। आपने सपोज एक कमरा खरीदा, आपके मकान मालिक ने बोला कि भैया आपका जो कचरा है, जो वेस्ट है, आप एक स्टोर रूम ले लो हमारा, उसने थोड़ी सी जगह दे दी स्टोर रूम के लिए, वही क्लाउड कंप्यूटिंग होती है। इंटरनेट पर जब आप अपनी डिटेल्स इंटरनेट पर ही छोड़ देते हो सेव करके, तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग में स्टोर होती है। ठीक है, इनमें से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर हो जाएगा, विशेषता हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा? क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर है, बिल्कुल। भाई मेरे बैंकिंग, अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग करती हूँ तो मैंने तो कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी, मैं ऑनलाइन ही काम कर रही हूँ। मैंने SBI खोला, उसमें मैंने अपना अकाउंट नंबर डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन कर लिया, सारा काम इंटरनेट पे हो रहा है, सिक्योर है ना? ऐसा थोड़ी ना कोई पैसा निकाल लेगा। कोई तब तक आपके अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकता जब तक आप उसके कहने के अनुसार पे ना तो उसको OTP भेजो और या फिर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आज के टाइम पे चोर जो है वो ऐसे फोन करेंगे कि आपका नाम है, जो भी नाम ले लो, आपका नाम है पोपटलाल और हमें आपकी मिली है डिटेल, आपकी शादी नहीं हो रही है, आपकी शादी हम करवाएंगे, आपने पहले इस जगह अकाउंट खोला था, आपको मैं एप्लीकेशन का लिंक भेज रहा हूँ, उसको डाउनलोड कर लो। तुरंत अभी आपको 5-6 फोटोज भेज देंगे या 5-6 कार्ड भेज देंगे, नंबर भेज देंगे। अब बच्चे जो है मासूम, जो हमारे बड़े हैं मासूम, वो डाउनलोड कर लेते हैं और उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते के साथ ही जो हैकर है वो आपके फोन में एंट्री ले लेता है, फिर बोलेगा ₹1 जरा भेज दो हमें। आप सोचोगे अरे ₹1 तो मांग रहा है, चलो भेज देते हैं। अब आप जो पिन दबा रहे हो ना, वो सामने वाले को दिखाई दे रहा है कि आपके बैंक का पिन क्या है, तब वो चुरा के ले जाएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं लेता। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योर है, अवेलेबल है, कहीं पर भी चाइना में जाओ, जापान में जाओ, तमिलनाडु में चले जाओ, गोवा चले जाओ, हर जगह यूज कर सकते हैं। लार्ज नेटवर्क एक्सेस है, बहुत सारा नेटवर्क एक्सेस इसके पास रहता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं। जो बीच में अगर मैं कोई चीज बता रही हूँ वो रियलिटी है, आजकल ऐसा ही हो रहा है। आजकल चीजों को, ये मैंने एक एग्जांपल दिया है पोपट लाल का, जरूरी नहीं मैं आपको बताती हूँ, एक रियल और एग्जाम्पल बताऊ मैं आपको, जो रियलिटी है, जो मेरे साथ हुई है, आपके साथ भी कभी ना कभी कोई ना कोई घटना तो घटी होगी। ऐसा भी होता है, मेरे नोन में गाड़ी होती है, गाड़ी का प्लेट होता है, प्लेट से डिटेल निकाल लेते हैं कि किसके नाम पे है, कब खरीदी थी, फोन कर देंगे कि भैया आपने गाड़ी खरीदी, यहां से खरीदी थी, आप हमारे लकी ड्रॉ में आ गए हैं, आपको मिलेगा ₹1,00,000। या ₹1,00,000 का लालच तो ज्यादा हो गया, एक मिक्सी ग्राइंडर मिलेगा। आप सोचोगे अरे इसको कैसे पता मैंने यहां से खरीदी थी, गाड़ी का नंबर ये है ना, वो स्कैन कर लेते हैं, आप जहां पे गाड़ी पार्क करोगे वहीं से स्कैन करके ले जाएंगे। तो चोर हो गए स्मार्ट, उससे बचने के लिए हमें भी स्मार्ट होना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी के लिए एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन, कौन सी टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट कनेक्शन टोपोलॉजी कहा जाता है? किस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कनेक्शन कहा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा।
बताइए जल्दी से इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर आना स्टार्ट भी हो चुका है भाई, वेरी गुड। मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सी टोपोलॉजी को कहा जाता है? तो बस टोपोलॉजी को कहा जाता है। टोपोलॉजी होती क्या है पर्टिकुलरली? टोपोलॉजी होती है कंप्यूटर को आपस में जोड़ के रखने का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, स्ट्रक्चर ऑफ कनेक्टेड नेटवर्क्स। नेटवर्क को आपस में जोड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क को आपस में जोड़ने का जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहा जाता है टोपोलॉजी। आप किस चित्र में या किस आकार में नेटवर्क को जोड़ रहे हैं? टोपोलॉजी होती है पांच प्रकार की। एक होती है बस टोपोलॉजी, जब एक ही केबल का इस्तेमाल करके कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। बस टोपोलॉजी में क्या होती है? तो बस टोपोलॉजी में होते हैं टर्मिनल, जहां से काम शुरू हो रहा है वहां पर एक टर्मिनल है, जहां पे काम खत्म हो रहा है वहां पे एक टर्मिनल होता है। जब आप कंप्यूटर को एक तार में जोड़ देते हो तो कंप्यूटर को कहा जाता है नोड, और एक ही तार में मल्टी पॉइंट लगा रखे हैं इसलिए बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखना है चीज, क्या कहते हैं? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कहा जाता है। और फटाफट से देख लेते हैं, फिर होती है आपकी एक रिंग टोपोलॉजी, एक होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी, कौन सी हो जाएगी? होल आकार की। जब कंप्यूटर को एक रिंग में छल्ले के अनुसार सर्कुलर मोशन में घुमाया जाता है, डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या बोलते हैं? टोकन, टोपोलॉजी के अंदर रिंग टोपोलॉजी में पाई जाती है। फिर होती है कि स्टार टोपोलॉजी, बीच में हब होता है जो बहुत से कंप्यूटर को आपस में जोड़ता है, मेन कंप्यूटर जिसका इस्तेमाल करके कंप्यूटर के कनेक्शन को स्टार की आकृति दी जाती है, स्टार टोपोलॉजी। एक होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी की अगर मैं बात करती हूं, प्रत्येक कंप्यूटर, प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, हर एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रत्येक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है, इसको कहा जाता है बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी, बाई डायरेक्शनल टोपोलॉजी, ठीक है। चार हो गई ये, पांचवी बताओ कौन सी है? पांचवी होती है ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी को किन दो टोपोलॉजी से मिलाकर बनाया जाता है? ट्री टोपोलॉजी को कौन सी दो टोपोलॉजी से मिलाकर बनाया जाता है? तो इसमें बस और स्टार दो टोपोलॉजी होती है। इसका इस्तेमाल बड़ी जगह, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी में बस टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल होता है और साथ ही में स्टार टोपोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम ट्री है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वहां पर ऐसे मॉडल का काम होता है और बहुत पैसा खर्च होता है इसमें, ठीक है। एस ए एस, सास की फुल फॉर्म क्या होती है? सास, वो वाली सास नहीं, वो वाली भी सास नहीं। एस ए एस कंप्यूटर में सास की फुल फॉर्म क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 23 के आंसर बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सास की फुल फॉर्म बतानी आपको क्या होगी? एस ए एस की फुल फॉर्म, सास की फुल फॉर्म होती है स्वीट अम्मा, स्वीट अम्मा ही तो है, मम्मी तो होती है वो भी। बताओ जी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताओ, बस बाकी मटर कश्ती बाद में कर लेना आप सभी, है ना। जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, पर उसके लिए कॉपी और पेन को लेकर जरूर बैठा करो क्लास के अंदर, ठीक है। बना कुछ? क्वेश्चन नंबर 23 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बस आंसर आ रहा है, बस पहले वाले का तो सही था, इसका तो नहीं होगा। स्टूडेंट एनालिसिस सिस्टम नहीं, स्टेशन एनालॉग सिस्टम नहीं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें गुणा भाग कैलकुलेशन की जा रही हो उसे एस ए एस कहा जाता है कंप्यूटर की शब्दावली में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सीडी का इन्वेंट इनमें से किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, सॉरी किसके द्वारा किया गया था वो भी बता दोगे तो मजा आ जाएगा। हु इन्वेंट, सीडी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बाय हुम, और ये भी बताना कब किया गया।
करिए जरा इसका आंसर फटाफट से, बताइए क्या हो सकता है। बताओ बताओ बताओ। आना स्टार्ट भी हो चुका है आंसर आप लोगों। चलो, सीडी का आविष्कार कब किया गया था? ९७९ में जेम्स रसल नाम के व्यक्ति के द्वारा सीडी का आविष्कार किया गया। सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क का आविष्कार किया गया था। सबसे पहले मार्केट में फिलिप्स और सोनी की सीडी उतरी। सबसे पहले मार्केट में इन दोनों कंपनी ने सीडी को लॉन्च किया था, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की स्टोरेज होती है 700 MB, 700 मेगाबाइट तक का डेटा इसके अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। और सीडी तीन प्रकार की होती है। एक होती है सीडी रोम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक होती है सीडी रिकॉर्डेबल, एक होती है सीडी रीड राइट। सीडी रोम के अंदर फायर फर्मवेयर पाया जाता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो पहले से सिस्टम में डले हुए आते हैं जिनको डिलीट नहीं किया जा सकता। अगर मैं अपने फोन, मैंने कोई फोन खरीदा, मोटोरोला का फोन है मेरे पास, मैंने मोटोरोला का फोन लिया, इसमें पहले से एप्लीकेशन डली हुई थी, वो फर्मवेयर होती है। कहां होती है? सीडी रोम में। सीडी आर रिकॉर्डेबल होता है, पहले से रिकॉर्ड आता है डेटा। ये वॉर्म होता है, राइट वन रीड मैनी, हरा डेटा एक बार जाएगा रिकॉर्ड, इसको रिपीट करके देख कई बार सकते हो। सीडी रिकॉर्ड या सीडी आरडब्ल्यू री राइटेबल या रीड एंड राइट, ये ब्लैंक सीडी होती है जो बाजार से खरीद के लाते हैं। डेटा डिलीट भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखना, जेम्स रसल नाम के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। तीन प्रकार की होती है, 700 MB 700 मेगाबाइट स्टोरेज होती है सीडी की। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से डीओएस हमला, अभी ये डीओएस क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, साइबर अटैक दे दिया। इसकी फुल फॉर्म बताना, साइबर अटैक में क्या होती है? निम्नलिखित में से डीओएस हमला, जिसमें हमलावर बड़ी संख्या में आधे खुले या पूरी तरह से खुले टीसीपी कनेक्शन को लक्ष्य होस्ट पर स्थापित करता है, उसे क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर, क्या हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डीओएस अटैक इन विच द अटैकर एस्टैब्लिश अ लार्ज नंबर ऑफ हाफ ओपन और फुली ओपन टीसीपी कनेक्शन टू द टारगेट होस्ट इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? करिए जरा इसका आंसर, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, देख लेते हैं सही है या नहीं, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हो दया। अब देखो इसने क्या बोला, डीओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। हमलावर की बात कर रहा है तो साइबर अटैक में डीओएस की फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस। साइबर अटैक में डीओएस की फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विस। जब आप इंटरनेट पर किसी भी पेज, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर का संपूर्ण लाभ नहीं उठा पाते, जैसे ये ले लो, राजस्थान सूचना सहायक के फॉर्म भरने की डेट को बढ़ा दिया गया है, 2 मार्च लास्ट डेट है अब फॉर्म को फिल करने की। आप वेट कर रहे हो कि मैं तो 2 मार्च को ही फॉर्म भरूंगा। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो लास्ट डेट में ही फॉर्म को भरते हैं, उस टाइम पर पेज ही नहीं खुलता, सर्वर डाउन चला जाता है, कुछ भी नहीं कर पाते हो आप, कितनी भी कोशिश कर लोगे। तो इस वाली सिचुएशन को डीओएस कहा जाता है, डिनायल ऑफ सर्विस। आप सर्विस सेवा का लाभ ही नहीं उठा पा रहे। यहां पर हमला किया गया है किसके द्वारा? राइवल कंपनी या दूसरी कंपनी उसके द्वारा जो हमला किया जाता है ताकि आप पेज को खोल ही ना पाओ। सपोज अम्मा की दुकान ने अपना सेल निकाला कि 28 फरवरी को ठीक 12 बजे दोपहर 12 बजे हम आईफोन 13 20,000 में बेच देंगे, सेल लगा दी उन्होंने। अब इसकी एक और राइवल कंपनी है, कोई फलों की दुकान ले लो या फ्लाई ले लो, फ्लाई ने क्या करा, एक प्रोग्राम सेट कर दिया कि 28 फरवरी 12 बजे अम्मा की दुकान के पेज को ब्लॉक कर देना, मतलब नकली ट्रैफिक भेजकर रोबोट को पीछे लगा दिया कि तुम बोलो हमें चाहिए आईफोन 13, हमें चाहिए आईफोन 13। अम्मा की दुकान के पास सर्वर है,
वो अपने सर्वर को एक्टिवेट कर देगा, उसे पता चल जाएगा कि हमारे ऊपर अटैक हुआ है। अम्मा की दुकान की वेबसाइट क्या करती है, पहले अटैकर को सबक सिखाएगी। उतने समय के लिए आप लोगों को वो पेज खोल ही नहीं पाओगे, आप लोग उस पेज को खोल नहीं पाओगे। कई बार ऐसा होता है, जैसे रेडमी हो गया, बहुत सी कंपनियां हैं जो सेल निकालती है, उसमें क्या होता है तुरंत फोन बिक गया। ऐसे कैसे बिक जाता है, तो कंपनी स्टे लगा देती है क्योंकि उस पर अटैक हो चुका होता है, तो पहले वो अटैकर को सही करती है, फिर आकर आप लोगों से डील करती है। ऐसे हमले को कनेक्शन फ्लडिंग कहा जाता है, जब कनेक्शन एक साथ बहुत सारे आ जाए, बाढ़ हो जाए कनेक्शन की, अच्छे यूजर भी और बुरे यूजर भी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। समझ भी रहे हो आप या नहीं समझ रहे हो? हाँ। क्वेश्चन नंबर 26, इसको लास्ट रखते हैं आज के सेशन का, इसको लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को पढ़ो। निम्नलिखित में से उमंग ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज द उमंग ऐप अवेलेबल? साथ में मुझे आप ये भी बता दीजिएगा, 2000 तो छोड़ो, कोविड के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऐप बनाया गया था? डीजी लॉकर बहुत अच्छा ऐप है, मैं इसकी विशेषता आपको कल बताती हूँ। डीजी लॉकर किसके द्वारा कब लॉन्च किया गया, कब इसको लॉन्च किया और किसने किया, ये दोनों चीजें बता दिया। ऐसे कोविड की जो एप्लीकेशन थी कब लॉन्च की गई, किसने की, सभी ने ऑलमोस्ट इसको कर रखा था, ये बता देता था आपके आसपास कितने लोग हैं जो कोविड, जिनको कोविड हो गया है ना, भगवान करे ऐसी बीमारी कभी नहीं भविष्य में। चलो, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पर रखते हैं, आशा है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं बच्चे अपने टाइम पर ठीक 1 बजे और बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको जरूर हर दिन नया सीखने को मिलेगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दिया कीजिए, 1 लाइक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। हाँ, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नोट्स बनाओ, नोट्स बहुत अच्छे बनेंगे। एग्जाम जिस दिन होगा उससे पहले दिन अगर आप नोट्स पढ़ के चले जाओगे तो काफी सारी चीजें, काफी हेल्प हो जाता है नोट बनाने में, ठीक है। बाकी पीडीएफ आपको, क्लास की पीडीएफ मेरी ही नहीं जितने भी टीचर्स हैं, 1 मिनट रुकना बस बच्चा, मैं पीडीएफ क्रिएट करूँ आपको। क्लास की पीडीएफ एग्जाम बोर्ड एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, जितने भी स्टूडेंट है आप सभी को सभी क्लास की पीडीएफ, कंप्यूटर की भी, रीजनिंग की भी, मैथ्स की भी, जीके जीएस की भी, करंट की भी, सारी पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड करवाई जा रही है एग्जामपुर की एप्लीकेशन में। उसके लिए आपको डाउनलोड करना है एग्जामपुर का ऐप, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है और वहां से आपको फ्री में यूट्यूब की पीडीएफ मिल जाएगी, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, ठीक है। चलो, इसी के साथ करते हैं सेशन को एंड, मिलते हैं कल, तब तक हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।